हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द वंडरफुल योगा इन बर्थ चार्ट। दैट योगा नेम इज भद्र योग, विच इज क्रिएटेड बाय मरकरी। इफ यू हैव अ भद्र योग इन योर बर्थ चार्ट, बिलीव मी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट मैन इन द टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव अ शार्प माइंड, यू आर वेरी एजुकेटेड, you become very good businessman, you become very good trader, you become very good stock experts, and those native who have a good mercury in kendra, like first house, fourth house, seventh house and 10th house in gemini sign, virgo sign, then it's great a bhadra yog, but wahan par mercury jo hai wo alone hona chahiye, mercury ka kisi bhi planet ke sath koi conjunction nahi hona chahiye, ye aap dhyan rakh ke chale। भद्र योग तब बनेगा जब फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में या टेंथ हाउस में मरकरी किसी भी और प्लैनेट के साथ प्लेस नहीं है और किसी भी फायरी प्लैनेट का आस्पेक्ट मरकरी के ऊपर नहीं है। अब सपोज करें अगर सन और मरकरी का कंजक्शन हो जाएगा और वो भी एक डिग्री या दो डिग्री के अंदर होगा तो भद्र योग भंग हो जाएगा। अगर मार्स और मरकरी का कंजक्शन हो जाएगा तो भी भद्र योग भंग हो जाएगा। सो गाइस, मैं आज अपने अपने इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, इसको राजकुमार का दर्जा दिया गया है। और जैसे कि आप बच्चों के सामने कुछ भी जब टीचर बोलता है तो बच्चे उस चीज़ को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी तरीके से मरकरी की एक क्वालिटी है, वो है लर्निंग कैपेसिटी। मरकरी के अंदर बहुत गजब की लर्निंग कैपेसिटी है और मरकरी को जब लगता है कि ये चीज़ काम आने वाली है वो उसको फटाफट अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और जो लगता है कि ये काम आने वाली नहीं है वो उसको ग्रहण नहीं करता। यानी मरकरी इज़ वेरी कैलकुलेटिव माइंड। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँगा सबसे पहले कि मरकरी की उत्पत्ति कैसे हुई। मरकरी की उत्पत्ति ऐसी हुई कि बृहस्पति की वाइफ का नाम था तारा, और चंद्रमा एक बार बृहस्पति के पास को विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो तारा को देखकर चंद्रमा आकर्षित हो गए और वो उसके प्यार में पड़ गए। तो तारा से चंद्रमा की संतान पैदा हुई बुध, यानी कि जो कि बृहस्पति की नजायज संतान थी। इसीलिए बर्थ चार्ट में गुरु और बुध की आपस में बनती नहीं है, बुध और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है। अब बृहस्पति ने अपना, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, साहित्य के कारक हैं, अपना एक धर्म निभाया और बुध को अपना नाम दे दिया। जब बुध को अपना नाम दिया तो बुध ने बृहस्पति से बहुत ज्ञान हासिल किया। अब ज्ञान हासिल किया तो बुध को ये भी पता लग गया कि मैं असलियत में चंद्रमा मेरे पिता हैं, और बुध के मन में चंद्रमा के प्रति वैर आ गया कि चंद्रमा ने मुझे गलत तरीके से पैदा किया। अब इस सारे चक्कर में अगर हम ज्योतिष की गणना लगाएं, एस्ट्रोलॉजी की गणना लगाएं, तो चंद्रमा अपनी फुल सपोर्ट मरकरी को देते हैं क्योंकि वो उसके बेटे हैं, यानी कि चंद्रमा इज़ अ फादर ऑफ मरकरी। लेकिन मरकरी चंद्रमा से सपोर्ट लेना नहीं चाहते क्योंकि वो बोलते हैं कि तूने मुझे नजायज़ पैदा किया। अब बृहस्पति जो है, बुध जो है वो बृहस्पति को पूरी सपोर्ट करते हैं, हालांकि ये एनिमी प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, बट मरकरी ऑलवेज गुड, वेरी गुड रिजल्ट्स व्हेन जुपिटर एंड मरकरी इज इन कंजक्शन इन बर्थ चार्ट, देन क्रिएट अ राजयोग, इट्स क्रिएट अ धन योग और राजयोग। सो गाइज, जुपिटर जो है वो मरकरी को सपोर्ट करते हैं, मरकरी जुपिटर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आपस में बनती नहीं है क्योंकि जुपिटर को ये होता है कि जो मरकरी है ये मेरी औलाद नहीं है। सो गाइज, ये तो था कि मरकरी की कैसे उत्पत्ति हुई और मरकरी की जो माता जी हैं उनका नाम है तारा। अब बात करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की जो प्रेजेंटेशन है फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में, टेंथ हाउस में, ये आपके लिए कितनी पॉजिटिव रहेगी और कितनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगी, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भद्र योग में पैदा हुए, जैसे हमारे क्रिकेटर MS धोनी, विराट कोहली, PV नरसिम्हा राव, ये सब, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सब भद्र योग में पैदा हुए। आप ये समझ के चलें इनमें से फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस में भद्र योग होना और उसके साथ किसी भी ग्रह का कंजक्शन ना होना इंसान को लाइफ में बहुत हाइट तक लेके जाता है। इंसान लाइफ में एक मीडियोकर फैमिली से उठकर अपना एक अपना इतिहास रचता है या लोगों के लिए, लोगों का प्रिय बनता है, कि बहुत ज़्यादा तरक्की करता है जो सही मायनों में वो डिज़र्व करता है। अब अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी
ये योग बनाकर बैठा है, भद्र योग बनाकर बैठा है। सपोज करें फर्स्ट हाउस में जेमिनी साइन में है या वर्गो साइन में है और भद्र योग बन रहा है, तो जो ऐसे लोग होंगे ना, वो पहले तो बड़े सेल्फ सेंटर्ड होंगे, वो अपने स्वार्थ की पहले सोचेंगे। लाइफ में बहुत अच्छे राइज करेंगे, बहुत अच्छी राइजिंग होगी उनकी, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहेगी कि वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा माइजर होंगे, यानी कि कंजूस होंगे, पैसा खर्च करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। मरकरी का फर्स्ट हाउस में आना किसी के लिए भी, अगर आप किसी के बर्थ चार्ट में भी देखते हो कि मरकरी फर्स्ट हाउस में भद्र योग का निर्माण कर रहा है, तो ऐसा पर्सन अपने बारे में ही सोचेगा, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। सेकंड प्लेसमेंट मरकरी की फोर्थ हाउस में, अगर फोर्थ हाउस में मरकरी जेमिनी साइन या वर्गो साइन का है और वहां पर प्लेस्ड मरकरी भद्र योग बना रहा है, उसके ऊपर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट या कोई भी किसी किस्म के फायरी प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो ये भद्र योग बहुत अच्छा है। ऐसे पर्सन के पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, बहुत फेम होगा और बहुत कैलकुलेटिव होगा। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, सीए बन सकता है, या एक एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है अगर फोर्थ हाउस में मरकरी हो तो, क्योंकि ऐसे पर्सन के अंदर लर्निंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होगी। ऐसे पर्सन का जो माइंड होगा बड़ा ज़्यादा शार्प होगा और लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं जिनका फोर्थ हाउस में मरकरी होता है, और कोई भी काम बिना कैलकुलेटिव वे से नहीं करते, कोई भी काम बिना कैलकुलेटिव वे से ये नहीं करते। इनको हमेशा आने वाले कल की फिक्र पहले होती है और आने वाले कल के बारे में ये सोचकर ज़्यादा चलते हैं। अब बात करते हैं अगर मरकरी आपका सेवंथ हाउस में है, मरकरी अगर सेवंथ हाउस में है, यू आर वेरी लकी इन द टर्म्स ऑफ स्पाउस। आपका जो स्पाउस होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत लकी होगा, आपके आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा बनेगी रिलेशनशिप, आपके आपके स्पाउस के साथ बहुत बढ़िया रहेंगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, आपकी डेली इनकम गजब की होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर फिर आप सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहेंगे, स्वार्थी ज़्यादा रहेंगे, कभी किसी के काम नहीं आएंगे, सिर्फ दिखावा करेंगे कि मैं उस दोस्त के काम आया, मैं इस दोस्त के काम आया। जबकि जो मेरी रिसर्च है, अगर मरकरी भद्र योग लगन में बना रहा है या मरकरी भद्र योग आपके सेवंथ हाउस में बना रहा है, ऐसे लोग सिर्फ अपने काम के लिए किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं, यानी कि अपना काम सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना सकते हैं। और मरकरी वाले बंदे, भद्र योग वाले बंदे कभी भी किसी को लड़ाई झगड़े में थप्पड़ नहीं मारेंगे, वो दिमाग की मार मारेंगे, यानी कि जब भी किसी से लड़ेंगे तो वो दिमागी लड़ाई लड़ेंगे, हाथ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ताकत की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मरकरी के अंदर ताकत नहीं है। मरकरी एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, लेकिन प्लैनेट्स में इसका दर्जा एक वाईफाई की तरह है, ये जिस प्लैनेट के साथ बैठता है ना उसकी पावर को अपने अंदर ले लेता है। अगर मरकरी वीनस के साथ बैठा है तो वो वीनस की पावर को अपने अंदर ले लेगा, अगर मरकरी सन के साथ बैठेगा तो सन की पावर को अपने अंदर ले लेगा, मार्स के साथ बैठेगा तो मार्स की पावर को अपने अंदर ले लेगा। उसी तरीके से अगर सेवंथ हाउस में आपके मरकरी भद्र योग बना रहा है और अकेला प्लेस्ड है, कोई कंजक्शन नहीं है, कोई फायरी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो बिलीव मी, दिस इज़ द वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसमेंट फॉर यू। यू विल बिकम टॉप लेवल बिजनेसमैन, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, योर डेली इनकम विल बी ग्रो एंड यू विल बी राइज अ लॉट इन योर लाइफ इफ मरकरी इज इन यूर सेवंथ हाउस। अब बात करते हैं वन ऑफ द अल्टीमेट पोजिशन ऑफ मरकरी, इफ मरकरी क्रिएट अ भद्र योग इन टेंथ हाउस, विच इज ऑलरेडी इन विराट कोहली बर्थ चार्ट एंड महेंद्र सिंह धोनी बर्थ चार्ट। जिन लोगों के टेंथ हाउस में मरकरी होता है उनका बहुत वाइल्ड सर्कल होता है, वो लोगों के बड़े प्यारे होते हैं, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, राइजिंग उनको बहुत मिलती है, फेम उनको बहुत मिलता है, तरक्की उनको बहुत मिलती है, और ऐसे लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई प्लेयर है, उसने साथ अपने होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर लिया है, वो क्रिकेट भी प्ले कर रहे हैं और साथ में होटल रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जिनके टेंथ हाउस में मरकरी भद्र योग का निर्माण करता है, ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करते हैं और इनके अंदर गजब की तर्क शक्ति होती है, इनका जो माइंड होता है वो गजब का होता है, इनके अंदर जो विल पावर होगी, जो इनका कॉन्फिडेंस होगा और जो इनका ब्रेव माइंड होगा ना, जिसको हम बोलते हैं एक कैलकुलेटिव माइंड होगा, वो ज़बरदस्त होगा। बिजनेस करने से पहले लाइफ में ये दो चार बार सोचेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ ये बिजनेस से मुझे कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो दे विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स एंड दे मस्ट इन्वेस्ट अवर मनी इन एवरी बिजनेस, बिकॉज ऐसे लोग पैसा कमाने के कीन होते हैं अगर टेंथ हाउस में मरकरी हो। अब हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली बात तो हमने ये ध्यान रखना है कि मरकरी की डिग्री क्या है।
मरकरी अगर 10 से 20 डिग्री तक केंद्र में प्लेस्ड है, आई रिपीट दिस, इफ फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड टेंथ हाउस मरकरी प्लेस्ड इन जेमिनी साइन एंड वर्गो साइन इन 10 टू 20 डिग्री, इट विल क्रिएट आ भद्र योग। अगर 10 डिग्री से कम है और 20 डिग्री से ऊपर है तो भद्र योग कैंसिल हो जाएगा, भद्र योग के आपको फल नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, मरकरी बर्थ चार्ट में हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि बिना सूर्य की पावर के मरकरी नहीं चल सकता। अब कोई भी बर्थ चार्ट देख लें, या तो मरकरी सूर्य का कंजक्शन होगा, या मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो सन सेकंड हाउस में है, या सन फर्स्ट हाउस में है मरकरी सेकंड या ट्वेल्थ में होगा या फर्स्ट में होगा, क्योंकि मरकरी को हमेशा सन की पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मरकरी इंपोर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी ना मेल है ना फीमेल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के चार्ट में भद्र योग है, अगर मरकरी अकेला प्लेस्ड है और वेल प्लेस्ड है और वक्री नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। वक्री होना किसी ग्रह का, अगर मरकरी वक्री है तो समझो कुछ पिछले जन्म के कर्मा पेंडिंग है जो हमें इस जन्म में करने पड़ेंगे। अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट वक्री है, खास करके जुपिटर, सैटर्न, वीनस, कोई भी अच्छा बेनिफिट प्लैनेट वक्री है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ ये इंडिकेशन है कि कुछ पिछले जन्म के कर्मा है जो आपने इस जन्म में पूरे करने हैं, इस जन्म के कर्मा के साथ। सो गाइज, मरकरी का केंद्र में एग्जाल्टेड होना, वर्गो साइन में या ऑन साइन में जाना वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। और जिन लोगों के चार्ट में भद्र योग है, वो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, तरक्की करते हैं, नेम फेम कमाते हैं, प्रोस्पेरिटी कमाते हैं, और उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ी अच्छी रहती है, कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में ब्रोकर भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इनकी जो टिप्स होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं अगर मरकरी केंद्र स्थान में आकर बैठ जाए। सो गाइस, नो मोर अबाउट दिस प्लेसमेंट ऑफ द मरकरी इन केंद्र एंड क्रिएट अ भद्र योग, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologyzone.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, सलाम।